फाइनली मेरे फोन की क्वालिटी भी अच्छी हो गई, क्योंकि बिकॉज हम जो अपनी साइकिलें हैं लेकर आ चुके हैं एकदम दो नदियों के बीचों बीच, जो भीमताल को रास्ता जाता है वाले की नीचे। As usual, हमारे साथ अभी गौतम रावत ब्लॉग्स आ गए हैं और हमारे जो दो साइकिलिस्ट हैं प्रभात और मनोज भाई, वो अभी पीछे ब्रेक लेके रुके हुए हैं, तो आगे हम लोग उनके लिए रुकते हैं। अराउंड एक घंटे में हम लोग पहला ब्रेक लेंगे, तो चलिए चलते हैं और माउंट कर लेते हैं इसको। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं ये रिलायंस के स्टोर के पास, अभी यहाँ पे हम लोग पहला ब्रेक लिया है, अब हम वेट कर रहे हैं अपने साथ वालों के लिए और यहाँ से हम कुछ रिफ्रेशमेंट भी ले लेंगे। भैया गोप्रो हमें भी दिला दो यार। ले लो। तो हमारी टीम घुस गई है इधर अंदर स्टोर में, आज पूरा स्टोर खाली कर देगी भाई। अब चालाकी दिखा दी इन्होंने, 120 की MRP होगी तो ये 60 का हो गया। तो अम्बानी का तो अम्बानी तक जानी चाहिए बात। अम्बानी सर से हमारी रिक्वेस्ट है कि फिर से सस्ता कर दो हमारे लिए यार, 5 रुपये बच जाएंगे हमारे। 5 रुपये की हम चाय पी लेंगे कहीं से। अगेंस्ट द विंड राइड कर रहे हैं, बहुत हालत खराब हो रही भाई। अभी हम लोग पहुंचने वाले काठ गोदाम, बस थोड़ा सा ही दूर बचा है। मनोज भाई ने आज पता नहीं क्या खा रखा है, बहुत ही स्पीड में पहुंच जा रहे हैं। नहीं कैमरा लगा रखा है, हाँ रिकॉर्डिंग मंदिर। आपको लेनी है क्या किसी के लिए साइकिल? बच्चों के लिए? अच्छा। और हमारे उत्तराखंड में CPU सिटी पेट्रोल यूनिट, जो भी कंट्रोल करती है पूरा एरिया की पेट्रोलिंग वगैरह, ये सिर्फ उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगी। और हल्द्वानी आओ तो थोड़ा संभल के आना आप, क्योंकि बिकॉज सीज़न आ चुका है चालान का और चालान पे चालान कटेंगे यहाँ लोगों के, और संभल के आना। बट मैं, मेरा तो कोई डर वर नहीं है, मैं साइकिल में हूँ। तो ये है गाइस, बहुत ही चालान हो रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा संभल के ही आना। आई होप मेरी बातें समझ रहे होंगे आप। आपको तो अपने नए राइडर भी आ गए हैं भाई, अब निकल लेते हैं फटाफट। अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ब्रेकफास्ट की सोच रहे हम लोग, देखते हैं कहाँ मिलता है हमको अच्छा भंडारा। भंडारा चल रहा हो तो और भी बढ़िया रहेगा, पर यहाँ लग गया है ट्रैफिक जैम। कंधे में भी उठा लेंगे हम बाइक को, ऐसा कुछ नहीं है। जब से साइकिल ली है तो जैम हमारे लिए लगता ही नहीं है कहीं, यही मज़ा है यार साइकिलिंग का। क्यों भाई, अब हम लोग रुक गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। और दो तो अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं साउथ इंडिया की कुछ स्वीट डिश है, क्या नाम है इसका? रवा केसरी। रवा केसरी, इसमें केसर वगैरह बहुत कुछ डला हुआ है, सूजी और केसर का कुछ इसमें और भी दिख रहे हैं मेरे को, नट्स। मीठा कम है, सही है, स्वाद तो याद आ रहा है, याद आ रहा है। स्वाद याद आ रहा है, थोड़ा फील करने दो, थोड़ा खत्म होने तक भी नहीं आएगा फील। अगले जन्म में वहाँ क्या पैदा हुआ? तो पिछले जन्म में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सिविलाइजेशन में था तब। कौन सा वाला? गोपिया। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं काठगोदाम, और काठगोदाम में कौन सा रेस्टोरेंट है? डोसे वाला। डोसे वाला। तो गाइस डोसे वाला है ये भाई प्रभात दा ने बताया। ठीक हो गया मनोज दा, आराम से खाओ। तो यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं शिव द्वार से, हाँ ऊपर से चल। मैं बता रहा हूँ, बताऊँ कहाँ पे एक जगह वो नहाने वाली, वो जो है वो पेड़ उसके पीछे साइड है, पत्थर के पीछे। यहाँ से तो इसने अपना बना दिया यार, वहाँ से जाना पड़ता है वहाँ, वो जहाँ गाड़ियाँ चल रही है। यहाँ से भी जा सकते हैं, नीचे से पैदल पैदल जाना पड़ेगा।
साइकिल ले आते हैं। हाँ चलो फिर तो मैं गौतम को दे रहा हूँ अपील चैलेंज। सामने आ गया है चढ़ाई और ये वाली चढ़ाई को उसको पूरा चढ़ाना पड़ेगा, ऊपर तक चढ़ाना पड़ेगा उधर मोड़ के बाद। ठीक है चैलेंज है, चलना है पूरा ऊपर, देखते हैं कर पाता है नहीं कर पाता है। ब्लॉक मत करना मेरे को आगे से। चल चल चल, हाँ भाई मजा। खत्म ही नहीं होगा अभी तो, मजा आ रहा है अभी और है। आज तो कर लिया लौंडे ने चैलेंज पूरा। हो पहुंच गए ऊपर। तो भाई लोगों यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, तो भैया ये है यहाँ से लोकेशन, आप लोग इधर से ऊपर जाते हैं तो इधर से नीचे जाना है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, उधर से हम लोग आए थे पहले भी, वो पुल है इधर से हमको जाना है नीचे साइकिल लेके, उधर हम लोग नहाने वाले हैं उस साइड। ट्रेल हो रही है यहाँ से खतरनाक वाली डाउन हिल। अरे रे 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 रे, माय गॉड, आगे तो कांटे झाड़ियां पता नहीं क्या क्या है। उतरना पड़ेगा, सीट डाउन करनी पड़ेगी। यहाँ देख रहे हो भाई लोग कैसा खतरनाक रास्ता है। चल भाई चल, अरे रे रे रे, ब्रेक ही नहीं लगेंगे इसमें, पलट जाएगी। चौड़ाई होती थोड़ी सी तो हो जाता है यहाँ पे, देख लो यार कितनी खतरनाक रास्ता है यहाँ से। तो फाइनली इन झाड़ियों से निकल के यहाँ से साइकिल को लेके मैं यहाँ आ गया हूँ। हम लोग उधर जा रहे हैं नदी के किनारे में कहीं, वहाँ पे कुछ अच्छा सा पूल ढूंढते हैं नेचुरल सा और उधर नहाते हैं। अभी और लोग आ रहे हैं, वो सोच रहे कि साइकिल उधर ही खड़ी कर दें तो बढ़िया, अगर वो लोग उधर भी खड़ी कर देते कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे लेके जाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे शूज भी उतार लेते हैं। तो भाई लोगों इधर से हम लोग अपनी साइकिल्स देखो कैसे पार कर रहे हैं, पानी में से एक साइकिल उधर से आ रही है, इधर से आ रही है। हमने तो शूज़ उतार लिए हैं अभी फ़िलहाल, और भाई कह रहा है कि वहाँ से चला के ले जाएगी, पर मुझे लगता है कि बड़े पत्थर होंगे पानी के अंदर तो चलना तो मुश्किल है। फ़िलहाल हम लोग चलते हैं अपनी बाइक को लेके इधर से। तो भाई काफ़ी पानी है इधर, लोअर तो साइड नीचे से भीग गया होगा। हाँ यार कहीं भी जमी हुई है इधर पत्थरों में, संभल के आना भाई लोगों। तो भाई अपनी साइकिल तो पार हो गई है, मनोज भाई आ रहे हैं अब साइकिल लेके अपनी, आ जाओ आ जाओ। तो देख लो भाई मनोज भाई की साइकिल कितनी डूबती है, आ जाओ सीधे सीधे, तिरछी मत करो साइकिल बैर। तो भाई ये भी पार हो गए हैं, अब हम लोग आगे जाने वाले हैं। तो प्रभात भाई ने भी अपनी साइकिल निकाल ली है इधर से, और यहाँ पे ना संगम हो रहा है दो नदियों का, इनका नाम हमें पता नहीं है बट आगे जाके गोला बन जाती है इतना पता है। अभी हमने शूज़ नहीं पहने जिसकी वजह से हमारे चुभ भी रहा है पैरों में पैडल्स, क्योंकि इनमें थोड़ी ग्रिप्स बनी हुई है पैडल्स में। और आगे जा रही मरीन, पीछे बीच में रैप्टर चल रही मेरी, और पीछे से हीरो स्प्रिंट प्रो आ रही है, उसके पीछे से कनेक्ट आ रही है। तो हम लोग इस पत्थर के पास नहाने वाले हैं, सामने दिखाई दे रहा है जो, और बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर हम लोग ऑफ रोड करते हुए जा रहे हैं। कैपेबिलिटीज तो हैं यार ये बाइक्स में भी, ऐसा कुछ नहीं, बट चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग चला पाते हैं नहीं। और मेरे पीछे से गौतम बोल रहा है कि मैं तेरे से अच्छी चला रहा हूँ, अच्छी बुरी का तो कोई सवाल ही नहीं है इधर, बस रुकना नहीं है। अब हम अपनी साइकिल्स को यहीं पार्क करते हैं और यहीं मारते कूद। हमें गहरा पानी चाहिए, गहरा किधर है, स्विमिंग पूल ढूंढो गहरा वाला। तो आप लोग यहाँ पे अगर आना चाहते तो भीमताल वाली रोड पे, वहाँ से भी उतर सकते हैं नीचे। गाइस फाइनली मेरी फ़ोन की क्वालिटी भी अच्छी हो गई, क्योंकि बिकॉज हम जो अपनी साइकिलें हैं लेकर आ चुके हैं एकदम
दो नदियों के बीचों बीच जो भीमताल को रास्ता जाता है वाले के नीचे और अमृतपुर जैसा ही है, मतलब थोड़ा आगे आ गए। तो भाई मज़ा ही कुछ आ रहा है। और साइकिलें ले आए अपनी अपनी MTVs देखो, जैसे ये है हीरो स्प्रिंट प्रो, ये मेरी है, ये मरीन है प्रभात दा की है, ये कॉन्सेप्ट है भैया की है मनोज दा की, और वो जो आगे है ना फ्रॉग मैडक की तरह जो उछलते रहते हैं वो है राजू दा की। मज़ा ही कुछ और आ रहा है भाई, मज़ा ही कुछ और आ रहा है। यहाँ पे साइकिल में चला के लाओगे ना भाई मज़ा ही कुछ आएगा, मतलब कम से कम 500 और या तो 600 एक किलोमीटर का अभी हमने साइकिलिंग करी है, वो भी इस पत्थर में। वीडियो तो नहीं बना पाया क्योंकि बिकॉज मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, भैया के मोबाइल में है थोड़ा बहुत तो मैं उनसे टिप टुप के ले लूँगा हमेशा की तरह। पहुँच चुके जहाँ पे हमें जाना था, हमने सोचा था आज यहीं पे ना निकले थोड़ा सा संडे, मैं आज अभी लाइव नहीं आया हूँ, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मेरे पास थोड़ी बहुत वीडियोस है जिसमें से आप में से मैं चोरी करूँगा और लगाऊंगा, तो मैं भी पता ही है GoPro की है तो इधर लगा पड़ा है ब्लॉग करने में। तो गाइस एक ब्यूटीफुल बात के बाद हम नहा धो के एकदम बढ़िया करके तो हम मेन रोड को निकल रहे, जो भीमताल वाली रोड है वहाँ से निकल रहे हम, और राजधा भी तैयार हो चुके और सामान पैक हो गया है। बहुत ही मज़ा आया नहा के और बहुत ही थेरेपी मिल गई हमें, मतलब पानी वाटर थेरेपी मिल गई हमें, मज़ा आ गया है। दिखाएगा वाला ले, अच्छा दिख रहा, ओह माय गॉड इट्स कॉल्ड पावर रेंज। तुम क्यों दर बदर तो दोस्तों हम लोगों ने ढूंढ लिया यहाँ पे एक हिडन स्विमिंग पूल जंगल के बीचों बीच, बहुत मजा आ रहा है। और हम लोग बाइक को अपनी उधर ही छोड़ा है बहुत दूर, और यहाँ पे पत्थरों में चल चल के अपने पैर जो है बिल्कुल चुभ रहे थे, और ये देखो हमारे भाई लोग इधर कूद गए हैं ये। तो अभी क्या है बारी मेरी भी आने वाली है इसके बाद, तो सीधे अब पानी में ही जाएंगे। 1 2 3 मैं गया। But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of the pain. वीडियो डल जाएगी यूट्यूब में देख लेना। कार्तिक भाई अभी हमको अपना डाइव मार के दिखाने वाला है, कितनी खतरनाक डाइव मारता है। चलो भाई गो। अरे भाई की डाइव, अरे भाई तो निकल गया बाहर, एक बार लॉन्डो को अंडर वाटर तो दिखा दे। चलो चलो तू तो बड़ी जल्दी ऊपर आ गया। तो अभी हम लोग एक चैलेंज कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं इधर पानी के अंदर घुसेंगे और ज्यादा टाइम तक कौन रहेगा देखते हैं। ठीक है भाई चलो मैं ऊपर हूँ, फिर तुम लोग जाओ, फिर 1 2 3 गो गो। और मैं पानी के अंदर जाऊंगा पूरा लास्ट तक, ठीक है। वो दीवार है जहाँ पे लास्ट एंड, पत्थर भी हैं फिर भी घूट सकता है, कोई बात नहीं फिर भी ट्राई करेंगे। तो भाई अभी नहा दो ना, सब कुछ हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो भाई लोगों अभी मैं इधर पे बैठा हुआ था तो एक भाई आया है मानस रजवार,
भाई का भी चैनल है यूट्यूब में, मानस रजवार व्लॉग्स, तो आप लोग उसको देखना। भाई को बहुत अच्छी लोकेशन में रहता है, इधर बिल्कुल गौला रिवर के पास में ही है भाई का घर। और हम लोग इधर पे बैठे थे, भाई हमारे लिए पानी लेके आया है बहुत दूर से उधर पहाड़ के ऊपर से, और ये लोग कुछ बना रहे हैं। इधर क्या बना रहे हो तुम लोग? हम लोग चिकन बना रहे हैं। चिकन बना रहे हो? बर्थडे है ना इसका, बर्थडे अच्छा इनके दोस्त का बर्थडे है तो ये लोग चिकन बना रहे हैं। तो बाय गाइस, चलो भाई मिलते हैं, ठीक है। वहाँ से एक ट्रैक ट्रेल सी बनी हुई है, वहाँ से हम चढ़ेंगे ऊपर इस रूट से, फिर हम इधर से आएंगे इधर को। बहुत टफ रास्ता है बिल्कुल ये वाला जो है, इधर से आएंगे ऊपर। ओ भाई इधर चढ़ानी पड़ गई बाइक, इधर चलने की भी जगह नहीं, पैदल। हाँ इधर से लेके जा रहा हूँ। कितनी पतली ट्रेल है आप भी देख सकते हैं, हमें यहाँ पे तो कैसे पतली है ट्रेल। भाई खुद चलूँ यहाँ साइकिल को ले जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज कैसे पतली है भाई, मेरी एक गलती है, मैं सीधे नीचे गिरूँ रहते में। ओ ये तो साइकिल का भी लग रहा है, उठा के ले चलो। ओ बच गया भाई, हाँ एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई, बहुत टफ होने वाला रास्ता, ऊपर देख रहे हो, तो इसको मैं उठा लेता हूँ ऐसे और ऐसे चलता हूँ। कम ऑन तो देख लो यार मैंने कैसे उठाया, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ऐसे मैं चढ़ रहा हूँ अपनी बाइक कंधे पे लेके, तो ये सब भी करना पड़ता है यार अपनी बाइक के लिए। हाँ काफ़ी ऊँची चढ़ाई है, ये बाइक का वजन इतना भारी है, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं नीचे रख सकता हूँ। तो देख लो यार ये रास्ता अभी भी ऐसा है खतरनाक, अब मैं यहाँ पे चढ़ रहा हूँ अकेले अकेले, बट मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा, ये उन लोग भी देख लेंगे और आप लोग भी देख लो। आपको लग रहा है पास मगर है नहीं भाई, हम पूरे नीचे से भाई ऑफ रोडिंग है पूरी की पूरी, उठा उठा के 15 किलो को लेकर आ रहे हैं। थोड़ा बर्बाद धागा तो हाथ भी कमज़ोर था क्योंकि एक्सरसाइज करी कल भाई सब की, तो बहुत ही थकावट हो रही है। मस्त है एकदम चढ़ाई, मज़ा आ रहा है। अभी लास्ट की कुछ स्टेप्स बच गए, उनको भी चढ़ लेता हूँ बराबर से, सीढ़ियाँ बनी है बिल्कुल। चल चल चल, वहाँ से हम लोग आए उधर से, इधर भी लोगों ने यार कचरा वचड़ा फेंक रखा है, और हम लोग फाइनली ऊपर पहुँच गए। गौतम रावत ब्लॉग्स पूरा थक चुका है, और पता नहीं क्यों थका है, क्योंकि भाई तुम भी देखोगे ना तुम पैदल चलने में थक जाओगे। भाई हमारे साथ तो 15 किलो की साइकिल है, साथ में मेरा 5-10 किलो साइकिल में सामान लग रखा है। तो अभी राजदा आ रहे हैं, फिर उसके बाद चलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा मेहनत लगती है फिर उसके बाद मज़ा ज़रूर आता है। अभी राजदा को पता चलेगा क्योंकि उन्हीं का प्लान था ये वाला। चलो ठीक है। सो गाइस जो भी है हम कम से कम कितने मीटर ऊपर होंगे ये बताओ, 500,000 200 मीटर ऊपर है हम कम से कम, और 200 मीटर से ऊपर ज़्यादा चला रही है, और हम नीचे थे भाई इस जंगल से लेकर आए। भाई आप लगा सकते हो आप कितना कठिनाई का होगा, कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चले गाड़ी आ रही है। थक गया मैं पूरा। यहाँ पहुँच गए, तो इधर से भी आप लोग जा सकते हैं, यह भीमताल वाली रोड